मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग फ्रॉम कश्मीर। तो आज हम जा रहे हैं गुलमर्ग ऑल द वे फ्रॉम पहलगाम। अगर आपको नहीं पता है तो हम पहलगाम में होटल हिवान में रुके थे, अभी हम वहां से चेकआउट करके गुलमर्ग जा रहे हैं। सो लेट्स गो गुलमर्ग। लंच हियर एट पायम रेस्टोरेंट, ये गुलमर्ग पहुंचने से 30 किलोमीटर पहले ही है। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जब आप कश्मीर में हो और आप खाने का रिकमेंडेशन ढूंढ रहे हो, नॉट फॉरगेट टू ट्राई देयर कश्मीरी वाजवान, जिसमें बहुत सारे डिशेस आते हैं। वाजवान बेसिकली एक क्यूजिन होता है। तो कल हमने मटन रोगन जोश ट्राई किया था, आज हमने ट्राई किया गुस्तावा, जो कि एक कर्ड बेस्ड मटन था और बहुत ही टेस्टी था। तो अगर आप कश्मीर में हो देन डू ट्राई वाजवान। गुलमर्ग एंड चेक्ड इन टू अनदर ब्यूटिफुल रिजॉर्ट। दिस रिजॉर्ट नेम इज कोलाहाई ग्रीन हाइट्स। दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो वन ऑफ अ बेस्ट रिजॉर्ट इन गुलमर्ग। सो फर्स्ट लेट मी गिव यू दिस रूम टूर। सीजन में दो बार जो स्नोफॉल हो चुका है ऑलरेडी, तो ये उसका स्नो है। अभी फ्रेश स्नो होने का प्रेडिक्शन कल था, आई मीन 25 नवंबर के लिए था, बट अभी वो भी नहीं है। तो पता नहीं हमारे नसीब में स्नोफॉल है या नहीं, बट फिर भी दिस व्यू मेक्स मी सो हैप्पी। गुलमर्ग पहुंचने से पहले 13 किलोमीटर का पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है, वो थोड़ा कर्वी रोड होता है। तो उससे पहले जो एक स्टॉप आता है उसका नाम है टानमार्ग, वहाँ पे बहुत सारा दुकान आपको मिल जाएगा, शूज़ एंड जैकेट वगैरह ये सब का रेंट लेने के लिए मिल जाएगा। तो हमने भी शूज़ और जैकेट रेंट पे ले लिया है 2 दिन के लिए, और हमें वो सब रेंट लेने के लिए आया 500 रुपीज़ दोनों के लिए। गुलमर्ग में भी रेंट में मिल जाएगा, बट वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, और अभी जो है सीज़न इतना आया नहीं है। नेक्स्ट मंथ और ज़्यादा सारे चीज़ एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि एज यू ऑलरेडी नो दैट गुलमर्ग इज़ फेमस फॉर स्कीइंग। अगर आप पहलगाम गुलमर्ग ये सब आते हो और सीज़न के टाइम पर आते हो, मेक श्योर यू बुक योर होटल एटलीस्ट 2 मंथ प्रायर, नहीं तो आपको अच्छे प्राइस में मिलेगा नहीं, और जो अच्छा प्रॉपर्टी है वो भी नहीं मिलेगा। Our room and room ke exactly samne this is the view. बहुत ज्यादा ठंडी है, ओ बाप रे, हालत खराब हो रही है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुलमर्ग। आज हम जा रहे हैं गुलमर्ग में गंडोला राइड करने। तो गंडोला राइड बेसिकली 2 लेवल का होता है, तो हम आज फेज 2 एंड फेज 1 दोनों ही जा रहे हैं। यहाँ पे जो है आप गाइड ले सकते हो, ऐसा नहीं कि बिना गाइड आप नहीं कर सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग, बट अगर आप गाइड लेते हो तो जो गंडोला टिकट काउंटर होता है वहाँ पे लंबा लाइन रहता है सीज़न के टाइम, तो अगर गाइड लोगे तो थोड़ा हासिल फ्री रहेगा, ये सोच के हमने एक गाइड लिया है। हम पहुँच गए हैं गंडोला राइड जहाँ से शुरू होती है, तो टिकट जो है वहाँ से लेना है टिकट पीछे से।
टिकट काउंटर एग्जैक्टली 10 बजे खुलता है, इसीलिए अभी 9:30 है तो वो लाइन में खड़े हैं। और यहाँ से जो है गंडोला राइड शुरू होती है, तो हमें अभी यहाँ पे लाइन में खड़े होना है। जैसे ही टिकट आएगा हम ऊपर जाएंगे। स्टार्ट फेज़ वन, और फेज़ वन पे जो है बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम फेज़ टू जा रहे हैं। और ये हम फेज़ टू के लाइन में लगे हैं और हमारे गाइड जो है वो फेज़ टू का टिकट लेने जा रहे हैं। ये जो एरिया है ये पूरा फेज़ वन ही है, और एक महीने बाद दिसंबर के बाद यहाँ पे फुल स्नो रहता है। और हम जहाँ जाएंगे फेज़ टू वो रहा वो, ये जो केबल जा रहे हैं ये फेज़ टू के लिए जा रहे हैं, और ऐसे होके पूरा वहाँ पर हमें जाना है। सेकेंड फेज। हम जा रहे हैं स्कीइंग करने सेकेंड फेज में, एंड दिस इज लुकिंग सो स्लिपरी एंड सो स्केरी। फर्स्ट फेज, और यहाँ पे थोड़ा कुछ खाना खाते हैं फिर देखते हैं और क्या है। और जो सेकंड फेज के लिए टिकट का क्यू अभी बहुत लंबा है, तो ये जो क्यू देख रहे हो ये सेकंड फेज जाने का क्यू है। जितना अर्ली आओगे आपके लिए अच्छा रहेगा, क्यू थोड़ा कम रहेगा। तो अभी हम फेज वन में हॉर्स राइड कर रहे हैं, हॉर्स राइड करके हम जाएंगे फ्रोजन लेक। एक है वाटरफॉल, फ्रोजन वाटरफॉल। फर्स्ट टाइम कश्मीर में मैं हॉर्स राइड कर रही हूँ। हम पहुँच गए घोड़े से फ्रोजन वाटरफॉल, जो समर में बड़ा सा वाटरफॉल होता है, बड़ा भी पूरा फ्रोजन हो गया है। वाटरफॉल के पास थोड़ा जाएंगे, उससे पहले यहाँ पे एक मैगी शॉप है, छोटा सा मैगी शॉप जहाँ पे मैगी एक प्लेट 100 रुपये में मिलता है, वो घोड़ा दोनों का 2500। आई नो यहाँ पे सारा चीज़ बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो पहले तो वो 5000 से शुरू किए और हम 2500 पे पहुँचे। उससे कम अगर आप बारियन कर सकते हो तो कर सकते हो। Got under your skin.
माय गॉड, जो फर्स्ट फेज है वो 10,000 फीट के ऊपर है सी लेवल से। आज मेरा बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गया जो लोग स्नो में ट्रैकिंग करते हैं, सीरियसली बहुत मुश्किल है यहाँ। गंडोला फेज वन, ये जो हॉर्स राइड था ये कुछ 2.5 किलोमीटर का टोटल राइड था। तो अगर आप स्नो में आओगे तो आपको हॉर्स राइड यहाँ पे नहीं मिलेगा, बट ये जो फेज वन का फील्ड आप देख रहे हो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा। स्कीइंग यहाँ पे कर सकते हो, स्नो साइकिलिंग होता है, स्लेज होता है और बहुत कुछ होता है, तो आप वो सब कर सकते हो। और यहाँ पे पीछे वो वाला एक खाने के लिए ढाबा बनाया गया है, तो फेज वन में आप खाना भी खा सकते हो, बट फेज टू पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अभी हम फेज वन से पूरा नीचे जाएंगे, ठंड के मारे हालत पूरा ख़राब है। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा आज का। ये था वो जगह जहाँ से गंडोला राइड स्टार्ट हुआ था, और इसके अपोजिट ये रहा एटीवी राइड। यहाँ पे आपको एटीवी राइड करने के लिए मिलेगा बहुत सारा गाड़ी। ओके गाइस, बैक टू रूम। तो बिफोर एंडिंग दिस गुलमर्ग व्लॉग, आई जस्ट वांट टू शेयर सम डिटेल ऑफ टुडे। इन शॉर्ट में बोलूँ तो अगर पूरा कश्मीर ट्रिप आप ले लो तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। सिर्फ गुलमर्ग का ट्रिप कर रहे हो तो आप बहुत चीज़ कर सकते हो, बट अगर पूरा कश्मीर ट्रिप कर रहे हो लाइक हमारे तरह तो ऑब्वियसली बहुत चीज़ें छूट भी जाएगा। अब फर्स्ट स्टेज पे जाओगे तो आपको बहुत सारा गेम मिलेगा। अभी जैसे हम गए थे इतना स्नो नहीं था फर्स्ट स्टेज पे, तो हमें सेकंड स्टेज जाना पड़ा। तो सेकंड स्टेज पे जो है थोड़ा सा स्कीइंग कराते हैं और उसका 5,000-6,000 पर हेड ऐसे बोलते हैं। तो फर्स्ट थिंग आपको बहुत ज़्यादा बार्गेन करना है यहाँ पे, आपको मतलब बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे ये करो वो करो, पूरा पीछे पड़ जाएंगे, बट इट डिपेंड ऑन यू आपको क्या करना है। मज़ा तो ऑब्वियसली हर चीज़ में मज़ा तो आएगा ही। गाइड जो है आप अगर नहीं भी लेते हो देन इट्स ओके, अगर खुद करोगे तो आप खुद टिकट बुक करोगे फिर जाके लाइन में खड़े रहोगे। फेज वन पे जाके आपको फेज टू का टिकट लेना है, फेज टू का टिकट नीचे नहीं मिलेगा। टिकट काउंटर खुला नहीं था इसीलिए हमें 45 मिनट लाइन में खड़े रहना पड़ा, बट जब गेट खुल गया उसके बाद इतना धक्का मुक्की हुआ, आई कैन ओनली इमेजिन जब स्नो रहता होगा तब कितना भीड़ होता होगा और क्या हालत होता होगा। लास्ट थिंग अबाउट दिस स्टे, कोलाही ग्रीन हाइट जो है ये गंडोला राइड से पूरा वॉकेबल है, तो अगर आप गुलमर्ग में रहना चाहते हो, नाइट स्टे करना चाहते हो, देन दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि गंडोला तो आप जाओगे ही जाओगे, तो यहाँ पे रहोगे तो आपको वॉकेबल रहेगा। इस होटल का जनवरी में अगर आओगे तो यहाँ पे इग्लू कैफे बनता है। Yes, with that I'm ending this Gulmarg vlog. I hope you enjoyed this. If you like my vlog then please do like, share and subscribe to our channel. मैं मिलती हूँ कश्मीर के एक और नई जगह पे। Till then, bye bye, take care.